हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारी न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम अपने ओप्पो के फ़ोन में जो फॉन्ट साइज़ होता है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो गाइस, फॉन्ट साइज़ को चेंज करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले जो हमारी मोबाइल की सेटिंग्स होती हैं उसको हमें ओपन करना है। तो ऐसे सिंपली हम अपनी सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके पे शो होता होगा। तो सिंपली हमको जो नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको शो होता होगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। तो ये डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद इस यहाँ पर आपको शो होगा लास्ट के सेकंड ऑप्शन पे शो होता होगा इस फॉन्ट साइज, फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज। तो सिंपली हम इस पर क्लिक कर देना है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको जो फॉन्ट साइज है आपको सिंपली शो होता होगा, जो हमारे फॉन्ट साइज है वो डिफ़ॉल्ट हो रखा है। तो गाइस इसको हम वेरी लार्ज भी कर सकते हैं। देखिए हमने जो डिस्प्ले साइज इसको लार्ज कर दिया है। सिंपली आपको क्या करना है गाइस, लार्ज करने के बाद अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो हमारा डिस्प्ले साइज फॉन्ट साइज होगा वो हमारा सिंपली ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने फॉन्ट साइज़ को ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए हम इसको कम कर देते हैं, जो हमारा फॉन्ट साइज है हमारा थोड़ा ज़्यादा छोटा हो चुका है। तो इस तरीके से हम फॉन्ट साइज़ को चेंज कर सकते हैं। और कैसे अगर आपको इसे डिस्प्ले साइज़ को चेंज करना है तो यहाँ से आप डिस्प्ले साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं ओप्पो के फ़ोन में। तो कैसे आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।